नमस्कार, बहुत स्वागत आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। स्पेशल रिपोर्ट में बताते चलें कि इस वक्त पूरी दुनिया की निगाहें ईरान और इसराइल के ऊपर जाकर टिक गए हैं। वर्ल्ड वॉर का नया फ्रंट इन दिनों देश के टकराव से खुल गया है और इसराइल ने शुक्रवार को ईरान को 13 अप्रैल को हुए हमले का जवाब दिया। इसराइल ने ईरान के रणनीतिक रूप से सबसे अहम शहर में जवाबी हमले का ईरान को यह एहसास करा दिया कि वो जब चाहे ईरान में जहां भी चाहे मिसाइलें बरसा सकता है। देखिए रिपोर्ट। ईरान के यूरेनियम गोदामों पर इसराइल की दस्तक। ईरान को इसराइल का सख्त संदेश। सैन्य अड्डे के बदले सैन्य अड्डे पर टारगेट। इसराइल ने वॉर कैबिनेट के साथ करीब 5 दिनों तक मंथन के बाद ईरान पर जवाबी हमला किया है। इसराइल का ये हमला बेहद सदा हुआ, बेहद नियंत्रित और जंग के मैदान में ईरान को बहुत बड़ी चेतावनी देने के लिए किया गया। कहावत है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ईरान के इफ्तान शहर में हमले का प्लान इसराइल ने बहुत सोच समझकर बनाया था। इसराइल के जिगरी दोस्त अमेरिका ने भी उसे यही सलाह दी थी कि ईरान पर ऐसा जवाबी हमला किया जाए जिससे ईरान को ये अच्छी तरह समझ आ जाए कि इसराइल चाह ले तो क्या कर सकता है। ईरान में इसराइल की कार्रवाई इतनी सीमित थी कि इसराइल ने इसकी जिम्मेदारी लेना तक सही नहीं समझा। इसराइल की लगातार आधिकारिक चुप्पी और सैन्य सेंसर ने कई अफवाहों को भी जन्म दिया है। इसमें यह है कि शुक्रवार को ईरान में हुआ हवाई हमला बाहरी नहीं बल्कि अंदर से किया गया था। कई विशेषज्ञों ने तो इसे इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद की कार्रवाई तक बता दिया है। दूसरी ओर अमेरिका ने भी इस हमले पर अभी तक चुप्पी साधी हुई है। And finally, I know there's a lot of interest in reports from the Middle East overnight, and we understand that, we get that. I'm going to say it now, though I know you all will certainly ask me about it, that we do not have any comment on the reports at this time. विशेषज्ञों का मानना है कि कई दिनों की लंबी युद्ध कैबिनेट चर्चाओं और सहयोगी देशों की सलाह के बाद इसराइल ने ईरान पर एक प्रतीकात्मक जवाबी हमला किया ताकि ईरान को सख्त संदेश मिल जाए। ये हमला ईरान के हुक्मरानों को इस बात का एहसास करवाने के लिए था कि अगर शुरुआत में ही इसराइल ईरान के यूरेनियम गोदामों के शहर तक पहुंच सकता है तो भीषण युद्ध शुरू होने पर वो ईरान का नक्शा कैसे बदल कर रख देगा। इस हमले का सीधा मकसद ईरान को ये संदेश देना था कि इसराइल जब चाहे और जहां चाहे ईरान में घुसकर हमला कर सकता है जिसे ईरान चाहकर भी रोक नहीं पाएगा। तभी तो ईरान को सख्त लहजे में चेतावनी देने वाला अमेरिका भी कुछ इस तरीके का बयान दे रहा है जैसे वो दोनों देशों के बीच जंग नहीं चाहता है। We have been very, very clear from here, from the beginning, that we do not want to see this conflict escalate. We continue to consult with our allies and partners, including in the region, obviously, and to reduce further risk of escalation. माना जा रहा है कि ईरान के सीधे हमले से प्रभावित इसराइल का एकमात्र लक्ष्य बस संदेश पहुंचाना था। क्योंकि ईरान ने इसराइल के नेवातिम वायुसेना बेस पर हमला किया था, इसलिए इसराइल ने भी ईरान के इफ्तान में एक सैन्य अड्डे को निशाना बनाया। IDF अधिकारियों के मुताबिक विचाराधीन बेस एक प्रकार से नेवातिम वायुसेना बेस के बराबर ही है। ये ऐसा हवाई अड्डा है जिसका उपयोग लड़ाकू विमानों और सैन्य परिवहन विमानों की ओर से किया जाता है। इस बेस पर ईरान ने कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रखे हैं। लेकिन इसराइल के हमलों में ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम बेअसर रहा। हालांकि ईरान ने दावा किया है कि उसने बाहर से आए 3 ड्रोन को मार गिराया है। और इसराइल ने एक साथ अपने 3 दुश्मन देशों पर हमला बोला है। उसने अपने सबसे बड़े दुश्मन ईरान पर जवाबी हमला बोला तो दूसरी तरफ अपने पड़ोसी मुल्क लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्ला के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। इसराइल वायुसेना के विमानों ने दक्षिण लेबनान के अल मंसूरी और इटारनू के इलाकों में आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला के सैन्य बुनियादी ढांचे को तहस नहस कर दिया। जबकि फिलिस्तीन के शहर वेस्ट बैंक में भी इजरायली फोर्स IDF ने घुसकर आतंकियों के ठिकाने पर रेड की। और इजरायल ने ईरान से बदला लेना शुरू कर दिया है। जैसे कि आशंका यह जताई जा रही थी कि इजरायल ने ईरान के इस्फान में हमला किया है। ये ईरान का वो शहर है जहां उसके कई परमाणु अड्डे हैं और ईरान की सेना का बेस है। इसराइल आगे क्या करने वाला है, इस्फान पर हमला उसी की वानगी है। देखिए रिपोर्ट।
आखिर वही हुआ जिसका डर था। पूरी दुनिया देखती रह गई और इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया। ये हमला कितना भीषण था इसकी डिटेल आनी अभी बाकी है, क्योंकि पश्चिमी मीडिया में ईरान पर हमले को लेकर अलग अलग रिपोर्ट छप रही हैं। अब तक जो साफ तस्वीर दिख रही है वो ये कि इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। मिसाइलों से ईरान के शहर इस्फहान को निशाना बनाया है। अब सवाल है कि इस्फहान ही क्यों बना इजराइल का बदलापुर। सबसे पहले ये बात बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है कि ईरान और इजराइल दोनों परमाणु शक्ति संपन्न देश हैं। युद्ध भड़का तो विनाश का दायरा सिर्फ दो देश नहीं होंगे। परमाणु बम गिरने का असर दुनिया ने सिर्फ द्वितीय विश्व युद्ध में भुगता है, और इस बार ईरान इजराइल संपूर्ण रूप से युद्ध मैदान में उतरे तो विनाश की सिर्फ कल्पना की जा सकती है। बहरहाल इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है और बदलापुर बनाया है ईरान के शहर इस्फहान को। तो यहां इस्फहान को क्यों चुना गया उसकी डिटेल देखिए। इस्फहान तेहरान और मशहद के बाद ईरान का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स का प्रमुख सैन्य अड्डा है। इस्फहान में कई न्यूक्लियर प्लांट हैं। ईरान का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोग्राम भी इसी जगह से ऑपरेट होता है। इस्फहान में ईरानी सेना का प्रमुख एयरबेस भी है, जहाँ ईरान का सबसे बड़ा जहाजी बेड़ा है। इस्फहान में यूएस मेड F-14 टॉम कैट लड़ाकू विमान है, जो ईरान को 1979 के इस्लामिक क्रांति से पहले अमेरिका से मिला था। इस लड़ाकू विमान की रफ्तार 2485 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसकी कॉम्बैट रेंज 930 किलोमीटर है और इसमें 10 तरह के हथियार लगाए जा सकते हैं, जिसमें रॉकेट, बम और मिसाइलें शामिल हैं। इस्फहान पर हमला कर इजराइल दुनिया को लाउड एंड क्लियर मैसेज देना चाहता है कि वो ईरान की रीढ़ की हड्डी तोड़ने में सक्षम है। कई एक्सपर्ट ने पहले ही आशंका जताई थी कि नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु कार्यक्रम को डीरेल करने का मन बना लिया है, और इसके लिए सबसे आसान रास्ता इस्फहान शहर को टारगेट करना है। हमले के बाद ईरान ने कहा है कि इस्फहान के सारे न्यूक्लियर प्लांट सुरक्षित हैं। लेकिन यहां जो बात नोट करने वाली है वो ये कि इस्फहान पर हमले के बाद अब ईरान की राजधानी तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट भी इजराइल की जद में है। इजराइल पहले से संकेत देता आ रहा है कि उसके हमले का टारगेट ईरान के न्यूक्लियर अड्डे हैं, और इजराइल ने इस्फहान पर हमला कर ये प्रूव भी कर दिया है। ईरान के पास परमाणु बम बनाने के लिए प्रचुर मात्रा में यूरेनियम है। युद्ध की सूरत में ईरान इसका इस्तेमाल करने से गुरेज नहीं करेगा, और यही बात अब सामने आ रही है कि ईरान को परमाणु बम बनाने से कोई नहीं रोक सकता। ईरान के पास सेल्फ डिफेंस का वास्ता देकर इसकी दलील भी अब तैयार है। ईरान के पास 3 अंडरग्राउंड यूरेनियम प्लांट्स हैं। ये प्लांट्स फोर्डो, नैटंज और कॉम में हैं। इसके अलावा रमसर, तेहरान और बुनाब में रिसर्च रिएक्टर फैसिलिटी है, और इस्फहान और बुशेर में यूरेनियम कन्वर्जन प्लांट है, और एरिक में हैवी वाटर रिएक्टर प्रोडक्शन प्लांट है। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल की ओर से लगातार हमले का डर ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के अफसरों में है। IRGC के एक सीनियर कमांडर ने कहा है कि ईरान की परमाणु सुविधाओं के खिलाफ हमले की इजरायली धमकियों की वजह से ईरान को अपने परमाणु सिद्धांत की समीक्षा करनी पड़ सकती है। ईरान ने कहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है। ये बात बहुत पहले क्लियर हो चुकी है कि ईरान परमाणु शक्ति बनने की दहलीज पर है। एक्सपर्ट मानते हैं कि ईरान कम से कम 6 महीने में अपने किसी सीक्रेट जगह पर परमाणु बम बनाने में सक्षम है। जाहिर है युद्ध की सूरत में ईरान के परमाणु बम बेस पर नहीं रहेंगे, बल्कि ईरान उनका इस्तेमाल कर सकता है। सवाल है इस सूरत में इजराइल क्या करेगा। जाहिर है कार्रवाई करेगा, क्योंकि उसके हाथ भी खाली नहीं है। अब आते हैं उस सवाल पर कि दोनों ओर से परमाणु बम चले तो विनाश किस स्केल पर होगा। दावा है कि ईरान में बम गिरते ही 3.5 लाख लोगों की मौत हो सकती है।
ईरान में 8.5 लाख से अधिक लोग घायल हो सकते हैं। वहीं अगर इसराइल में परमाणु बम गिरा तो 1,25,000 से ज्यादा लोग मारे जा सकते हैं, जबकि इसराइल में कम से कम 3,20,000 लोगों पर इसका असर पड़ सकता है। दावा है कि जहां परमाणु बम गिरेगा वहां के 2.5 किलोमीटर के दायरे में भीषण तबाही होगी और 7 किलोमीटर का इलाका रेडिएशन से बुरी तरह प्रभावित होगा। एटम बम की जहरीली हवा से लाखों लोग मरेंगे, लाखों जख्मी ही नहीं होंगे, आने वाली पीढ़ियां भी इसके असर से नहीं बच पाती। हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम का हमला इसका गवाह है। और अब बताते हैं आपको कि इसराइल युद्ध में अकेला नहीं, इसराइल के पास अमेरिका का दम है, ब्रिटेन के लड़ाकू विमान है, फ्रांस के राफेल है, इसराइल के पास नाटो की पावर है यानी नाटो की। लेकिन ईरान भी किसी से कम नहीं, ईरान के पास मोस्ट पावरफुल पुतिन का बैकअप है। मगर ये महाशक्तियां खुलकर खाड़ी के टकराव में दखल क्यों नहीं दे रही, क्या है सुपर पावर का वॉर प्लान? स्पेशल रिपोर्ट में देखिए क्या ईरान कराएगा वर्ल्ड वॉर। ईरान ने बदल दिया परमाणु सिद्धांत। इसराइल के एटमी अड्डे पर ड्रोन स्ट्राइक का अलर्ट। बारूदी प्रहार के बाद टकराएंगे न्यूक्लियर बम। महाशक्तियां कब तक दूर से देखेंगी तमाशा? ईरान इसराइल टकराव का लेवल हदें पार कर रहा है। मिसाइल और ड्रोन अटैक से आगे अब एटमी हथियार का शोर उठने लगा है, क्योंकि इसराइल ने ईरान के परमाणु सिटी को टारगेट बनाया है। पहले 13 अप्रैल को ईरान ने इसराइल को धुआं धुआं किया था, अब इसराइल ने ईरान में घुसकर धमाका किया है। ईरान की मिसाइल स्ट्राइक के जवाब में इसराइल ने न्यूक्लियर सिटी में तबाही का ट्रेलर दिखाया है। दो जानी दुश्मनों के बीच वार पलटवार का दौर असल में अब शुरू हो गया है। ईरान इसराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की रिहर्सल कर रहा है, वहीं इसराइल हमले से उबरने से पहले ही ईरान को दहलाने का दम भर रहा है। लेकिन ये बारूदी टकराव जल्द परमाणु युद्ध में बदल सकता है, क्योंकि दोनों देशों की तरफ से फौज टारगेट एटमी ठिकाने ही सेट किए गए हैं। ईरान और इसराइल दोनों तरफ से ऐलान किया गया है कि युद्ध में सबसे पहले परमाणु अड्डे तहस नहस किए जाएंगे, यानी सबसे भयावह खूनी नरसंहार का प्लॉट तैयार है। एटमी हथियारों की टक्कर हुई तो हाहाकार मच सकता है, क्योंकि इसराइल और ईरान का परमाणु जखीरा पूरे एशिया महाद्वीप में एटमी सुनामी ला सकता है। ऐसे हालात बनने के बाद भी दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क क्या सिर्फ तमाशबीन बने रहेंगे? क्या अमेरिका और रूस खाड़ी में चल रहे बारूदी टकराव को दूर से देखते रहेंगे? मोस्ट पावरफुल नेशन की रणनीति क्या है? पर्दे के पीछे रहकर क्या महाशक्तिशाली देश दुनिया को खतरे में झोंक रहे हैं? कौन क्या कर रहा है, सबसे पहले ये जानते हैं। इसराइल का सबसे बड़ा हमदर्द कहे जाने वाले अमेरिका का डबल स्टैंडर्ड देखिए। सीएनएन के मुताबिक ईरान पर हमले से ठीक एक दिन पहले गुरुवार को अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने इजरायली रक्षा मंत्री यो गैलेंट से फोन पर बात की थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने ईरान के हमले और मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने को लेकर चर्चा की थी। हालांकि पेंटागन के स्टेटमेंट में ईरान के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को लेकर किसी भी चर्चा का जिक्र नहीं किया गया है। जाहिर है अमेरिका का स्टैंड क्लियर नहीं है। इसराइल के साथ होकर भी सुपर पावर ने तनाव कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अमेरिका और नाटो के देश ईरान पर पुराने ढर्रे वाले दांव आजमा रहे हैं, जिसका कोई असर कभी हुआ नहीं है। अमेरिकी ट्रेजरी डिपार्टमेंट की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि अमेरिका ने ईरान के यूएवी प्रोडक्शन में लगे 16 लोगों और 2 संस्थाओं को बैन कर दिया है। इसमें ईरान के शाहिद वेरिएंट यूएवी को पावर देने के लिए इंजन बनाने वाली कंपनी शामिल है। ईरानी वाहन निर्माता बहमन ग्रुप की 3 सहायक कंपनियों को भी प्रतिबंधित किया गया है। ईरान के निर्यात को टारगेट करते हुए लाइसेंस मिलने में मुश्किलें खड़ी करने का प्लान भी अमेरिका ने बनाया है। वहीं ब्रिटेन ने रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स की नेवी सहित 7 लोगों और 6 संस्थाओं पर प्रतिबंध लगा दिया है।
पश्चिम देश पिछले कुछ साल से ईरान पर बार बार प्रतिबंध लगाते आए हैं। ब्रिटेन ने ईरान पर 400 से ज्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं, लेकिन ईरान इन प्रतिबंधों की परवाह कभी नहीं करता, क्योंकि ईरान किसी के आगे झुकने को तैयार नहीं। तो इसके पीछे की पावर है व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती। हालांकि इसराइल ईरान टकराव में रूस भी दूर बैठकर सही वक्त का इंतजार कर रहा है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार 16 अप्रैल को ईरान के राष्ट्रपति रईसी से फोन पर बात कर संयम बरतने के लिए कहा था, लेकिन हालात बदलने पर रूस खुलकर ईरान के साथ खड़ा होगा, इसमें किसी को शक नहीं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ देने वाला ईरान सबसे बड़ा देश था। रूसी सैनिकों ने ईरान के शाहिद 136 ड्रोन के इस्तेमाल से यूक्रेन में कई फ्रंट पर तबाही मचाई थी। रूस और ईरान लंबे वक्त से एक दूसरे के सच्चे साथी के तौर पर पहचाने जाते हैं। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने ईरान का दौरा भी किया था, मगर रूस सीधे तौर पर खाड़ी युद्ध में उलझने को फिलहाल तैयार नहीं, क्योंकि यूक्रेन युद्ध ही रूस को भारी पड़ रहा है। नए फ्रंट में दखल देकर पुतिन रूस की सेना को कमजोर नहीं होने देंगे। वहीं अमेरिका किसी भी सूरत में खाड़ी के टकराव में सीधे तौर पर शामिल होने से बच रहा है, क्योंकि इस इलाके में अमेरिका का युद्ध इतिहास बहुत कड़वा रहा है। खाड़ी मुल्कों की जंग में अमेरिका को सिर्फ नुकसान ही झेलना पड़ा है। इन्हीं तमाम वजहों से महाशक्तिशाली ईरान और इसराइल के टकराव से दूरी बनाकर चल रहे हैं, लेकिन ये रणनीति पूरी दुनिया को बड़े खतरे की तरफ ले जा रही है। जिस तरह से ईरान और इसराइल आर पार के युद्ध के लिए ललकार रहे हैं, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अगर कहीं किसी ने गलती से भी न्यूक्लियर अड्डे को निशाना बनाया तो महातबाही की शुरुआत हो जाएगी। और यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे, बने रहिए न्यूज 18 राजस्थान के साथ। हमारी किसान सम्मान 30% तो बंगाल में 77% से अधिक मतदान। पहले चरण के चुनाव में राजस्थान में 57.26% वोटिंग, श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 7.29% पड़े वोट, सबसे कम धौलपुर करौली में मतदान। राजस्थान में अमित शाह का तूफानी चुनाव प्रचार, आज भीलवाड़ा और कोटा में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। आज राजस्थान के चुनावी रण में गरजेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भीम निम्बाहेड़ा और ब्यावर में भरेंगे हुंकार, जोधपुर में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर, हेमा मालिनी के पक्ष में करेंगे रैली, जयंत चौधरी भी रहेंगे साथ। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, वाराणसी सीट पर बीएसपी ने प्रत्याशी बदला, सैयद नियाज अली को वाराणसी से टिकट, भदोही से अतोर अंसारी को बनाया उम्मीदवार। राजस्थान बीजेपी का गढ़, हम 25 सीटें जीतेंगे, कम वोट प्रतिशत पर सीएम भजनलाल का बयान, कहा मतदान कम होने के कई कारण, जनता ने हमें वोट दिया, हमें पूरा भरोसा। आज यूपी के अमरोहा में एसपी और कांग्रेस के संयुक्त रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित, कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे दानिश अली के समर्थन में वोट मांगेंगे राहुल और अखिलेश। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के विवादास्पद बयान पर मचा बवाल, संजय राउत ने नवनीत राणा को कहा डांसर तो बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में सीएए ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। अब आपको बड़ी खबर से रूबरू करा दें कि मुंबई से एक हैरान करने वाला मामला दरअसल सामने आया है। एक्टर सलमान खान के घर के बाहर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के नाम से एक बुकिंग कार पहुंचने से हड़कंप मच गया। इस मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से एक आदमी को गिरफ्तार किया है, जिसे कोर्ट ने 2 दिन की रिमांड पर भेज दिया। बताया यह गया कि आरोपी ने 2 दिनों पहले ओला कार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से बुक किया था, जिसमें एड्रेस अभिनेता सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट का दिया गया था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। तो पुलिस ने गाजियाबाद से एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। अब ये आरोपी जिसको गिरफ्तार किया गया है, वो बताएगा कि आखिर बुक की हुई कार लॉरेंस बिश्नोई के नाम से कैसे रही और किसने बुक की,
एड्रेस गैलेक्सी अपार्टमेंट का क्यों दिया गया, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही आपको बता दें कि सलमान घर के सामने दो शख्स आए बाइक पर जिन्होंने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। तार जरूर लॉरेंस बिश्नोई से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, देखते रहिए न्यूज सिटी राजस्थान। केंद्र सरकार पर हमला किया, ममता ने कहा कि किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 60% वोट पड़े, त्रिपुरा में सबसे अधिक करीब 80%, तो बंगाल में 77% से अधिक मतदान। पहले चरण के चुनाव में राजस्थान में 57.26% वोटिंग, श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 7.29% पड़े वोट, सबसे कम धौलपुर करौली में मतदान। राजस्थान में अमित शाह का तूफानी चुनाव प्रचार, आज भीलवाड़ा और कोटा में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। आज राजस्थान के चुनावी रण में गरजेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भीम, निम्बाहेड़ा और ब्यावर में भरेंगे हुंकार, जोधपुर में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर, हेमा मालिनी के पक्ष में करेंगे रैली, जयंत चौधरी भी रहेंगे साथ। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, वाराणसी सीट पर बीएसपी ने प्रत्याशी बदला, सैयद नियाज अली को वाराणसी से टिकट, भदोही इसका नंबर एक अल्ट्राटेक। चलिए स्पेशल रिपोर्ट में बताते चलें कि हिमाचल प्रदेश में मौसम में जबरदस्त बदलाव देखा गया। मनाली में तूफान की वजह से कई जगहों पर पेड़ गिर गए, जिसकी वजह से गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। वहीं शिमला की भी बात करें तो वहां पर भी जमकर बारिश हुई है। मौसम विभाग ने बारिश और तूफान का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया। इसके साथ ही अगले 6 दिन तक पहाड़ों पर बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। तो शिमला हिमाचल प्रदेश और मनाली हिमाचल प्रदेश की आप तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर बारिश हुई और हवा तेज चली, जहां पर पेड़ गिर गए, तमाम गाड़ियों के ऊपर पेड़ गिरे हुए, देखिए क्षतिग्रस्त हो गया और 6 दिनों तक मौसम ऐसे खराब रहेगा, ऐसा मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। और जेल में केजरीवाल के खाने को लेकर कैसे विवाद शुरू हुआ और कोर्ट में ईडी और केजरीवाल के वकीलों की ओर से क्या क्या दलीलें पेश की गई, उसकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अरविंद जी से मिलने गई, उन्हें डायबिटीज है, शुगर लेवल ठीक नहीं चल रहे, लेकिन निश्चय दृढ़ है। देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए। शराब घोटाले में 22 मार्च को जेल भेजे जाने के सिर्फ 5 दिनों बाद 27 मार्च को जब केजरीवाल की पत्नी जेल से उनसे मिलकर बाहर आईं, तो उन्होंने बताया कि जेल के अंदर केजरीवाल की तबीयत खराब है, उनका ब्लड शुगर बढ़ रहा है। लेकिन इसके तुरंत बाद जेल प्रशासन ने उनके दावे को केजरीवाल की जाँच रिपोर्ट सामने रखते हुए खारिज कर दिया था। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत क्या घर के खाने की वजह से बिगड़ रही है, ये सवाल ईडी के दावे के बाद खड़ा हुआ है, क्योंकि ईडी ने आज राउज एवेन्यू कोर्ट में आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर जानबूझकर मीठा खा रहे हैं ताकि उनका शुगर लेवल बढ़ जाए और उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर जमानत मिल जाए। लेकिन अब ये बात सामने आई है कि जेल में केजरीवाल का ब्लड शुगर बढ़ने लगा है और इसकी वजह बताई जा रही है घर का खाना। केजरीवाल पिछले 28 दिनों से शराब घोटाले के आरोप में जेल में बंद हैं। उन्हें टाइप 2 डायबिटीज है और उनके स्वास्थ्य को देखते हुए ही कोर्ट ने उन्हें घर का खाना खाने की इजाजत दी है। लेकिन ईडी का कहना है कि केजरीवाल के घर के खाने में आलू पूड़ी, आम, केला और मिठाई जैसी चीजें खा रहे हैं और चीनी वाली चाय पी रहे हैं ताकि उन्हें इलाज के नाम पर जेल से छुट्टी मिल जाए। This is an issue made by ED so that there is home cooked food also should be stopped.
this concerns the health, we are very concerned, and whatever he is taking is as per the doctor's prescription, otherwise the matter is sub judice. ये पूरा मामला तब सामने आया जब केजरीवाल के वकील ने ट्रायल कोर्ट में एक याचिका दाखिल की और कोर्ट से केजरीवाल के डॉक्टर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेडिकल कंसल्टेशन लेने की मांग की। इसके पीछे उन्होंने तर्क दिया था कि केजरीवाल टाइप 2 डायबिटीज के मरीज हैं और उनका ब्लड शुगर लेवल फ्लक्चुएट होता रहता है, जिसके जवाब में ईडी ने कोर्ट को ये बातें बताई हैं। लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा है कि केजरीवाल को गाजियाबाद के डासना जेल में शिफ्ट कर देना चाहिए, और ऐसा वो इसलिए कर रहे हैं किसका बहाना लेकर अपने बेल को पाने की कोशिश करें, कोर्ट को बेल अप्लाई करें। मेरा मानना है कि अरविंद केजरीवाल जी ऐसी साजिश ना करें, इसलिए उनको तिहाड़ जेल से हटाकर उत्तर प्रदेश के डासना जेल भेजना चाहिए, ताकि जेल उनके स्वास्थ्य का ध्यान भी रख सके और वो इस तरह की कोई भी सहानुभूति लेने वाली कोई साजिश न कर सके। एक बार अरविंद केजरीवाल जी को घर का खाना रुक गया, उसके बाद उनको तिहाड़ जेल के अंदर कब खिलाया जा रहा है, क्या खिलाया जा रहा है, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। क्या ये एक साजिश हो रही है अरविंद केजरीवाल की जान पर हमला करने के लिए? चले, तमाम खबरों के साथ स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल अभी लेता ही, और खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज 18 राजस्थान। को बनाया उम्मीदवार, राजस्थान बीजेपी का गढ़, हम 25 सीटें जीतेंगे। कम वोट प्रतिशत पर सीएम भजनलाल का बयान, कहा मतदान कम होने के कई कारण, जनता ने हमें वोट दिया, हमें पूरा भरोसा। आज यूपी के अमरोहा में एसपी और कांग्रेस के संयुक्त रैली, राहुल गांधी और अखिलेश यादव जनसभा को करेंगे संबोधित। कांग्रेस के टिकट पर लड़ रहे दानिश अली के समर्थन में वोट मांगेंगे राहुल और अखिलेश। अमरावती से बीजेपी उम्मीदवार नवनीत राणा पर संजय राउत के विवादास्पद बयान पर मचा बवाल, संजय राउत ने नवनीत राणा को कहा डांसर तो बीजेपी ने किया विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मुर्शिदाबाद में सीएए और एनआरसी को लेकर केंद्र सरकार पर हमला किया। ममता ने कहा कि किसी भी कीमत पर सीएए और एनआरसी बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। लोकसभा चुनाव के लिए पहले चरण में 21 राज्यों की 102 सीटों पर करीब 60% वोट पड़े, त्रिपुरा में सबसे अधिक करीब 80%, तो बंगाल में 77% से अधिक मतदान। पहले चरण के चुनाव में राजस्थान में 57.26% वोटिंग, श्रीगंगानगर में सबसे अधिक 60.29% पड़े वोट, सबसे कम धौलपुर करौली में मतदान। राजस्थान में अमित शाह का तूफानी चुनाव प्रचार, आज भीलवाड़ा और कोटा में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे समर्थन। आज राजस्थान के चुनावी रण में गरजेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, भीम, निम्बाहेड़ा और ब्यावर में भरेंगे हुंकार, जोधपुर में करेंगे रोड शो। गृहमंत्री अमित शाह आज मथुरा के चुनावी दौरे पर, हेमा मालिनी के पक्ष में करेंगे रैली, जयंत चौधरी भी रहेंगे साथ। बीएसपी ने जारी की उम्मीदवारों की नई लिस्ट, वाराणसी सीट पर बीएसपी ने प्रत्याशी बदला, सैयद नियाज अली को वाराणसी से टिकट, भदोही। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय महाकोश, कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही। राजस्थान में अमित शाह का तूफानी चुनाव प्रचार, आज भीलवाड़ा और कोटा में करेंगे जनसभा, बीजेपी प्रत्याशियों के लिए जुटाएंगे समर्थन। राजस्थान के रण में गरजेंगे बीजेपी के स्टार प्रचारक योगी आदित्यनाथ की, भीम, निम्बाहेड़ा और ब्यावर में चुनावी सभा, नायब सिंह सैनी बालोतरा और मंडौर में करेंगे जनसभा। दूसरे चरण के महासंग्राम के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, अशोक गहलोत बारा में करेंगे चुनावी रैली, कोटा में प्रहलाद गुंजल निकालेंगे जन आशीर्वाद यात्रा। राजस्थान बीजेपी का गढ़, हम 25 सीटें जीतेंगे। कम वोट प्रतिशत पर सीएम भजनलाल का बयान, कहा मतदान कम होने के कई कारण, जनता ने हमें वोट दिया है, हमें पूरा भरोसा। निश्चित रूप से हम यह 12 सीट भी जीतेंगे और आगे वाली 13 सीट भी जीतेंगे,
राजस्थान में 25 के 25 सीट दे देंगे। प्रेजेंटेड बाय महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, चुनो सही।